हरे हरे राम हरे राम हम राम हरे हरे। श्रेया हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है और हम मीरा रोड के इस्कॉन टेंपल में आए हैं। सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और फिलहाल तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं लगी है, तो हम सीधा मंदिर में अंदर जा सकते हैं, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लगती है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस रात भारी बारिश हुई थी और उन्हें उनके पिता वासुदेव यमुना नदी के रास्ते मथुरा से गोकुल ले गए थे। तो उन तूफ़ानी रात की याद में ही जन्माष्टमी के ठीक पहले या उस दिन भारी बारिश होने लगती है, तो ऐसा माना जाता है। और सही में आज बहुत तेज़ बारिश हो रही, सुबह से ही बारिश हो रही है। इस्कॉन टेंपल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। और उसके बाद वहाँ पे कीर्तन हो रहा था तो काफ़ी सारे लोग हॉल में बैठे थे। और उसके बाद प्रभु जी का प्रवचन था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और उनके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनको कैसे ले जाया गया गोकुल में, और मतलब भगवान की जो भी लीला थी उन्होंने सब कुछ वो बता रहे थे अपने लेक्चर में। सभी कृष्ण भक्त उपवास कर रहे हैं, तो इसीलिए जो इस्कॉन टेंपल के अंदर ही गोविंदास रेस्टोरेंट है वो बंद है आज। और बाकी भक्तों को वो प्रसाद दे रहे थे जिसमें आटे का हलवा था, बहुत ही स्वादिष्ट था वो, और केला दे रहे थे, तो हमने भी लिया वो प्रसाद, वो नीचे मिल रहा था। करीब 6 बजे के आसपास उन्होंने कहा जिनके पास कलश है सिर्फ वही लोग हॉल में रुक सकते हैं, बाकी लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उनके पास एक मेंबरशिप कार्ड था, हमारे पास वो कार्ड नहीं था, इसीलिए हमने दर्शन किए भगवान के और हम हॉल से निकल गए। और जब हम बाहर आए तो हमने देखा लाइन लगना शुरू हो गई थी। शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है हर साल, तो ये लाइन धीरे धीरे अभी बढ़ती जाएगी।